गाइस चलो फिर यार टेक्नो इनफिनिक्स से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में आपको एक ऐसा फोन बताने वाला हूं, लाइक अगर आपको 30,000 से 35,000 में एक ऑलराउंडर फोन चाहिए बट यूज्ड में, ये चीज याद रखना। उसके बाद में अगर आप 50,000 से नीचे एक नया फोन लेना चाहते हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे भी यार अंडर 50,000 आप लोगों को पता है कि सिर्फ टेक्नो इनफिनिक्स ही रह गए हैं, तो अगर आप उनसे बाहर जाना चाहते हैं, एक अच्छी डिवाइस की तरफ देख रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हो, सिर्फ 800 लाइक, एंड आई होप कि आप रोजाना की तरह कंप्लीट कर दोगे, मुझे यकीन है। लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाके ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही कोई हमारी ऐसी नई बेस्ट डील वाली वीडियो है या हम किसी भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बात करते हैं स्मार्टफोन को लेकर। तो स्मार्टफोन हमारे पास यहां पर आता है रियलमी का Realme 7 Pro। अब आपने नाम सुन लिया, आपने भागना नहीं है। देखो बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, पूरा देख लो तो शायद आपका फायदा हो जाए अगर आपने एक फोन परचेज करना है। तो ये जो फोन है ये है तो थोड़ा सा पुराना लेकिन काफी कमाल की चीज है अगर बजट को देखा जाए, लाइक 30,000-35,000 में। बताता हूँ कैसे मिलेगा और जो नया है वो क्या सीन है। सबसे पहले फोन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है। Full HD+ रेजोल्यूशन है, 32 MP की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन है एंड आपको जो है वो एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है बट हाँ 60Hz का नॉर्मल पैनल है, पुराना फोन है, हाईर रिफ्रेश रेट नहीं आता, तो यार वैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए वरना फिर दूसरे ऑप्शन तो आपके पास है ही। उसके बाद में बैक डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन ये कुछ आपके सामने है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि डिजाइन आपको कैसा लगा। वैसे डिजाइन अच्छा है फोन का। बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा आपको 64 MP का देखने को मिलेगा, उसके बाद में 8 का अल्ट्रावाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर। सो कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, बिकॉज स्मार्टफोन के कैमरा तभी अच्छे होते हैं जब स्मार्टफोन की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी हो, लाइक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो इस मामले में नो इशू, बिकॉज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G। अब ये बहुत ही खुशी की बात है, इतनी खुशी है मुझे। 720G काफी अच्छा प्रोसेसर है और ये एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था मार्केट में, अब शॉर्ट है आपको पता है सारी चीजों का, चिपसेट शॉर्टेज की वजह से। तो इस प्रोसेसर की जो ऑप्टिमाइजेशन है, कैमरास बहुत ही चीज़ें निकल कर आते हैं। उसके बाद में मेमोरी वेरिएंट की बात कीजिए, 8GB 128GB वाला आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा एंड आई थिंक सो कि 6GB वाला भी आता है, बट OLX भी अगर मैंने जो देखा है वहां पर आपको 8/128 वाला देखने को मिल रहा है। OLX पर बहुत सारी एड्स चल रही हैं जहां पर ये जो स्मार्टफोन है आपको 30,000 से 35,000 में देखने को मिल रहा है यूज्ड में। उसके बाद में अगर बैटरी को लेकर बात करूं तो बैटरी के मामले में 4500 mAh की बैटरी है, 65W की फास्ट चार्जिंग है और ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लाइक 65W की फास्ट चार्जिंग मिल रही है इस बजट में, भाई और क्या चाहिए आपको। तो ओवरऑल अगर देखा जाए एक AMOLED डिस्प्ले है, अच्छे कैमरास है, अच्छा ब्रांड है, अच्छा UI देखने को मिलता है, Android 12 के ऊपर ये आ रहा है और उसके बाद में बैटरी, फास्ट चार्जिंग, इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो यार ये एक अभी के टाइम पे, बिकॉज आपको पता है कि अभी के टाइम पे नए स्मार्टफोन्स में क्या स्पेक्स मिल रहे हैं, तो यार ये एक ऑलराउंडर डिवाइस है आप लोगों के लिए। लाइक अगर आपको गेमिंग भी करनी है आप अच्छी कर सकते हो, 40 FPS में सारा कुछ जो है वो काफी जबरदस्त निकल कर आता है। ये जो स्मार्टफोन है आप अपने OLX पे चेक करें, वहां पर आपको जो है वो 30,000 से 35,000 के अराउंड देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात कर लीजिए नए स्मार्टफोन को लेकर, तो भाई दराज पर जो है वो आजादी सेल चल रही है, जहां पर कल तो ये 45,000 में कुछ मिल रहा था बट अभी ये दोबारा से इन्होंने 50,000 का कर दिया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं वहां से आपको ये आराम से मिल जाएगा। अब अगर 50,000 में मिलता है, लेकिन 50 नहीं, बैंक डिस्काउंट्स डाल के, कुछ डील्स वगैरह डाल के, तकरीबन जो है वो 47-48 में मिलेगा, कल वैसे 45 का था। तो अगर इतनी प्राइस में भी लेते हैं तो बिकॉज टेक्नो इनफिनिक्स के फोन भी इतनी प्राइस में ही पड़े हुए हैं, जो G96 वाले हैं, जो सारी चीजें हैं, सो उस मामले में अगर आप नया भी लेना चाहते हैं तो आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे अगर आपको लोकल मार्केट से अच्छी कंडीशन में मिल जाए तकरीबन 40 तक, फिर भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बिकॉज ये बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल के लिए जो मार्केट का सारा सिनेरियो है। वैसे आप V21e भी ले सकते हैं जो मैं यूज कर रहा हूं, वो आजकल थोड़ा सा ज्यादा ही शॉर्ट हो गया, मुश्किल मिलता है, बट 7 Pro एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप में से कोई यूज कर रहा है तो आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करना, ताकि सामने वाले की हेल्प हो जाए अगर कोई लेने की सोच रहा है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन, क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, कमेंट्स में लाजमी शेयर करना। फिलहाल के लिए आज की यही थी हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो। गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करके जा सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।